पता नहीं मैंने इस मूवी को क्यों नहीं देखा, बावजूद इसके कि इसका नाम बार बार आ रहा था सामने, जब भी कोई एनिमे सर्च करता तब इस मूवी का नाम अपने सामने सजेस्ट किया जाता, बट वो होता है ना यार, एक टाइम आता है उस टाइम पे कोई चीज हमें देखनी होती है, तो वो टाइम आ गया था। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा द बीस्ट एंड द बॉय एनिमे मूवी के बारे में, जो 2015 में आई थी। तकरीबन जो इस मूवी की जो लेंथ है वो 2 घंटे की है। और अब इस मूवी की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम होता है रेन, जिसकी माँ की डेथ के बाद अपने घर से भाग जाते हैं। अब रीजन जो है वो सारी चीजें तो यार देखो मैं नहीं बताऊंगा, रीजन आप लोगों को मूवी देखने पर ही पता चलेगा। और ये जब भाग जाता है अपने घर से, अकेला ही भटक रहा होता है, और इसके साथ एक पैरेलल वर्ल्ड दिखाया गया है बीस्ट का, जहां पर अलग अलग जानवर जो है वो रह रहे हैं इंसानों के साथ ही, वहां पर उनकी टाइमलाइन दिखाई गई है। अब वहां पर दो जो एनिमे करेक्टर है, उस एनिमे करेक्टर में जो मतलब कि जो दोनों एनिमे करेक्टर वो लड़ रहे हैं आपस में भगवान बनने के लिए, गॉड बनने के लिए, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए वो लड़ रहे हैं। और उनमें से एक एनिमे करेक्टर है कुमा तेत्सु, ये जो एनिमे करेक्टर है वो अपने आप में मतलब अकेला ही है। वो जैसे ये बच्चा अपने घर से भागा है, अब इसके साथ कोई नहीं है, इसकी माँ की डेथ हो चुकी है, इसके पिता का पता नहीं कहां पर है। तो यहां पर कुमा तेत्सु भी वैसा ही है, वो भी अकेला ही रहा है बचपन से, उसने सारी चीजें खुद सीखी हैं, उसे कोई पसंद नहीं करता है। रीजन ये क्योंकि उसका व्यवहार बहुत खराब है लोगों के प्रति, या मतलब कि जो वहां पर एक करेक्टर रह रहे हैं उनके प्रति बहुत व्यवहार खराब है इसका। तो कुमा तेत्सु के सामने एक छोटी सी शर्त यह रखी जाती है कि उसे एक शिष्य बनाना होगा, उसे फाइटिंग की स्किल उसे सिखानी होगी, यानी अपना जो ज्ञान है कुमा तेत्सु के पास, जो भी ज्ञान है नॉलेज है वो सारी उस अपने शिष्य को देनी होगी। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद कुमा तेत्सु को कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि व्यवहार ऐसा था इंसान का, मतलब इंसान क्या वो उस बीस्ट का। अब यहां पर वो इंसानों के वर्ल्ड में आता है, उसको ये बच्चा मिलता है रैन, और उसको ये इनवाइट करता है अपने साथ चलने के लिए कि भाई तू मेरा शिष्य बन जा। यहां पर ये वाली जो चीज देखता हूं यार, जो मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती है कि यार हाँ यार अब क्या होने वाला है, वो बड़ा मजा आया। अब दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनती है, ये जो चीज मुझे देखने को मिली काफी ज्यादा एंजॉय किया। जब ये रैन देखता है कि कुमा तेत्सु को कोई पसंद नहीं करता, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, सारे लोग, दूसरा जो एक करेक्टर है इजुमोकु शायद वही होता है जो इसके विरुद्ध होता है, वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो खराब नहीं होता, काफी अच्छा होता है। अब कुमा तेत्सु का जैसे पसंद ना करने का रीजन इसका व्यवहार है। अब रैन जब ये चीज देखता है तो वो फील करता है कि यार ये भी मेरी तरह अकेला है, इसको कोई पसंद नहीं करने वाला है, तो ये इस तरीके से अपने इस मास्टर के साथ कनेक्ट होता है। देखो यार स्टार्टिंग में तो इसको अपना मास्टर मानता नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है वो समझता है अपने मास्टर को, इसने कैसे वो चीजें सीखी हैं, कैसे यहां तक वो पहुंचा है, ये सारी चीजें करने के बाद, देखने के बाद वो इसको अपना मास्टर मानने लगता है और सीखने को तैयार होता है। उधर कुमा तेत्सु भी, अब स्टार्टिंग में तो देखो यार दोनों एकदम एक जैसे हैं, उनका आपस में लड़ते रहना, इतना जिद्दी होना। अब देखो यार बच्चे का तो समझ में आता है कि 9 साल का बच्चा है, मतलब ग्रैंड की जो उम्र है वो 9 साल ही होती है। अब कुमा तेत्सु तो यार काफी ज्यादा एज है, वो भी बच्चों के तरीके से इसके साथ लड़ता रहता है। देखो यार ये जो चीज दिखाई गई है ना, वो हमें कनेक्ट करने के लिए, इमोशनली भी, इन कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी, सारी चीज जो बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो दोनों का लड़ना, आपस में इनकी बॉन्डिंग का बनना, ये जो जर्नी है, ये जो रिलेशनशिप की जो जर्नी है यार, वो आप में मतलब देखोगे ना बहुत अच्छा फील होगा। कुमा तेत्सु ट्राई करता है इस बच्चे को सिखाने के लिए, कैसे कैसे इसको सिखाना चाहिए। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता है, यार ये सीख क्यों नहीं रहा, मतलब एक तलवार चलाने को बस ऐसे कर, ऐसे तलवार चलानी है, अब बच्चे को क्या बताया यार कैसे चलानी है, तो उसके ऊपर डांट लगानी है, बार बार उसको कहना है तू बहुत स्लो है। ये काफी हमें अच्छा लगता है कि यार कुमा तेत्सु को कुछ नहीं आता है सिखाने में, लेकिन वो ट्राई करता है, एटलीस्ट बहुत ट्राई करता है। दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनती है, और एट दी एंड हमें ये देखने को मिलता है कि यार इसमें शिष्य कौन है और मतलब मास्टर कौन है, क्योंकि लास्ट में दोनों ही इतना एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। ये जो जर्नी मैंने कहा ना, ये जो जर्नी है ना, ये मूवी की बेस्ट पार्ट है इस मूवी का। लेकिन अब इसमें टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं, जो रैन जो है वो बड़ा होता है, 6 साल बीत जाते हैं, 6 से 7 साल बीत जाते हैं ये रह रहा है। अब वो इंसानों की दुनिया में जाने लगता है, वह इंसानों की दुनिया में जाता है, फिर वापस आता है, तो 6-7 साल बाद इंसानों की दुनिया को देखता है, उसको पता चलता है उसके पिता जो है वो भी जिंदा है और कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर जो इमोशनल एंगल आता है कुमा तेत्सु के ऊपर, जो बीतती है, जो उसको एक तरीके से अपने पिता होकर अपने बच्चे के तरीके से इसको पाला था, मतलब पिता बनता है एक तरीके से, और इसको जिस तरीके से पाला था, तो इमोशनली एंगल जो दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ साथ एक इंसानों की डार्कनेस इसके अंदर दिखाई जाती है। खैर सारी चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा, देखो थोड़ा बहुत तो स्पॉयलर शायद मैंने दे दिया है, मैंने ये बात स्टार्टिंग में बोलनी थी कि यार स्पॉयलर हो सकता है, बट क्या करूं यार, जब एनिमे की एनिमे मूवी एनिमे सीरीज की बात होती है तो खुद पर कंट्रोल नहीं हो पाता,
पाता, फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब कम ही बताऊँ, ज्यादा ना बताऊँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट खराब ना हो। तो यार थोड़ा बहुत स्पॉइलर हो सकता है, उसके लिए माफ कर देना। तो मूवी जैसी स्टार्ट होती है तो आपका इंटरेस्ट इसमें स्टार्टिंग के अंदर ही बन जाता है, आप देखना चाहोगे कि यार इसमें क्या होने वाला। देखो यार ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मूवी का ये हो रहा है कि इसमें आप ये देखना चाहोगे कि यार अब ये दोनों सीख रहे हैं, अब सीख चुके हैं, अब बड़ा हो चुका है, अब क्या होने वाला है। ये जो क्यूरियोसिटी है, जानने की जो इच्छा है, ये मतलब शुरू से लेकर आखिर तक हमें बनी ही रहती है। और इसके जो लास्ट में एंडिंग दिखाई गई, एंडिंग में जो फाइट दिखाई गई है यार, वो काफी ज्यादा अच्छी है। दो इंसान जो उसकी डार्कनेस बाहर निकल के आती है, इंसानों की दुनिया में वो लड़ रहे होते हैं, इसका बीस्ट की दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। खैर मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत इसका इंटरेस्ट बन सके, मतलब ये वीडियो देखने के बाद इंटरेस्ट बन सके और ये आप जाके मूवी देखें और आपको पता चले कि वो दो इंसान क्यों लड़ रहे थे, क्या रीजन था उनके पीछे लड़ने का और कौन जीता कौन हारा, एक्चुअल में क्या चीजें हुई। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मूवी की जो स्टोरी है पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जैसे कि कुमा सेत्सु और रेन के बीच के जो रिलेशनशिप बना, उसमें कुमा सेत्सु का एक फादर की तरीके से व्यवहार करना और जब रेन चला जाता है तो एक पिता के ऊपर क्या बीतती है, ये जो कुमा सेत्सु मतलब उसके जो फीलिंग है यार, जो इमोशन जहां वो बताए हैं, वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा ना ये जो पर्टिकुलर सीन है ट्रेनिंग से देना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग से लेकर बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर जब वो बाहर जाता है तब कुमार सेत्सु के ऊपर क्या बीतती है, अब वापस नहीं आएगा, और जब वो वापस भी आता है, मतलब मैं स्पॉइलर दे रहा हूं, जब वापस आता है तो उसकी खुशी, और इन दोनों के बीच में यार स्टार्टिंग से ही लड़ाई चल रही है। अब वो लड़ाई एक तरीके का प्यार ही है इन दोनों के बीच में, पर जो जैसे लड़ते हैं खाना बनाने में, मतलब बर्तन कौन धोएगा उसके लिए रेस लगाते हैं कि भैया अगर जिसने मतलब क्या हड़बड़ा रहा हूं, जिसने सबसे पहले खाना खाया जो लास्ट में खाना खाएगा वो बर्तन धोएगा, ये जो शर्त जो लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो भाई कुमार सेत्सु जीतता चला जाता है। लेकिन एक आई टाइम आता है कि अब यहां पर रैन जो है वो बराबरी टक्कर देने लग गया, रैन जीतने लग गया। ये मैंने ये जो कॉमेडी दिखाई, ये इंजॉय मैंने किया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एनिमेशन की बात करूं तो देखो यार एनिमेशन बहुत प्यारी एनिमेशन है, खासकर जो इसकी एंडिंग में एनिमेशन दिखाई जाती है, फाइटिंग सीन में जिसकी एनिमेशन आती है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। बाकी भी मुझे पसंद आती है लेकिन एक होता ना कि इसमें तो नेक्स्ट लेवल ही चली गई है, वो लास्ट की जो एंडिंग होती है उसमें जो फाइटिंग होती है वो बहुत इमोशनल भी है यार। अब इमोशनल तो देखो यार मन तो कर रहा है बताने का बट फिर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वो काफी बढ़िया पार्ट है, वो आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। अब जब मैंने इस मूवी को देखने के बाद आईएमडीबी पर गया, मैंने इसके बारे में रेटिंग सर्च करी, तो इसको रेटिंग जो थी वो 7.6 मिली हुई थी आउट ऑफ 10। तो देखो यार मुझे तो लगा कि यार इस मूवी को ये काफी ज्यादा डिजर्व करती है, क्योंकि इसमें जिस तरीके की स्टोरी है, एक नया जोनर हमें देखने को मिलता है, कोई पुराना रिपीटेड जोनर तो है नहीं, कोई कहानी पुरानी रिपीटेड नहीं है कि प्यार वाली इसके अंदर कोई कहानी दिखा दी गई हमें, ज्यादा रोने धोने वाली चीजें कर दी गई वो वाला इसके अंदर नहीं है। और यहां पर जैसे रिलेशनशिप को बॉन्डिंग करते हुए दिखाया गया वो हमें शुरू से लेकर आखिर तक बांध के रखती है, हमें ये जानने की इच्छा रहती है कि अब आने वाली इस टाइम में क्या होगा, क्या अब चीजें घटने वाली हैं। और जो इसकी स्टोरी है वो कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है, इसका एंडिंग जो है वो बिल्कुल भी आप गैस नहीं कर सकते इसके अंदर ऐसा होने वाला। तो ये सारी चीजें इस मूवी को 7.6 से तो ज्यादा मतलब रेटिंग प्रोवाइड करने के लिए काफी है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश डब में है, इंग्लिश सबटाइटल में भी मिल जाएगी, जैपनीज में भी है, जैपनीज अगर आती है तो काफी अच्छी बात है, आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, एज यूजुअल मैं अपनी पुरानी वाली वीडियोज में कहता हूँ 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा। और कहाँ देखने को मिलेगी तो भैया तो आप जान ही जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।